हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 1। इससे पहले अगर आप लोग चैप्टर 6 नहीं देखे हैं, चैप्टर 6 का लास्ट लेक्चर नंबर 7 ना, लेक्चर नंबर 7 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट में उसका पिन है लिंक का, ठीक है? तो आप लोग उसको जाकर देखिए, क्योंकि उसी से आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है? आज मतलब आज तो नहीं वहां तक जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने का, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ एसी और डीसी के बारे में डिफरेंस, ठीक है? एसी और डीसी के बारे में डिफरेंस। कल हम लोग क्या पढ़े थे? एसी करेंट जनरेटर, एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करेंट जनरेटर, जो चैप्टर 6 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट लेक्चर है, कि उसमें सारा फंक्शन कार्य वाला बताया, उसके फॉर्मूला को प्रूव किए ना। एसी जनरेटर जो उत्पन्न करता है बैटरी, ईएमएफ क्या होता है? बैटरी होता है, क्या होता है? बैटरी होता है ना भाई, पोटेंशियल होता है, समझ रहे हो? तो जो उत्पन्न करता है उसका फॉर्मूला भी यूज किए, उपयोग मतलब सिद्ध किए, प्रूफ किए, ठीक है? और इसमें एक वो चीज बच गया, दो चीज जिसको लिखना था, किसको? एक रबर का, रबर का काम क्या होता है सो, एक किसका? आर्मेचर का, और एक किसका? स्प्लिट रिंग्स का। तो वो कभी लिख देंगे इसी जनरल में, ठीक है, और दे देंगे। तो चलिए भाई साहब, तो हम लोग देखते हैं पहले एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। सुन, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, कल वाला लेक्चर देखे होइएगा, ठीक है? तो एकदम पूरा ये समझ में आएगा आज का, लेकिन आज का लेक्चर वहां पहुंचाते हैं, वहां तक देखते हैं जहां तक पहुंच जाए। तो एसी क्या होता है? ऐसी धारा, ऐसी प्रत्यावर्ती धारा जो क्या समय अंतराल, समय समय पर अपनी किसको, दिशा को क्या करता है? बदलती रहती है, कभी दिशा को, डायरेक्शन को, कभी डायरेक्शन जा रहा है, कभी डायरेक्शन, यानी कि कुछ समय अंतराल बाद जो है अपनी दिशा को बदलती है, तो उसको क्या कहते हैं? एसी। ऐसी धारा जो अपने समय अंतराल बाद क्या करती है, अपनी दिशा को बदलती है, उसे क्या कहते हैं? एसी कहते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ऐसी धारा जो कुछ समय बाद नहीं, मतलब कितनों घंटा, दो घंटा बीत जाए, दो दिन, चार दिन बीत जाए, लेकिन क्या हो, अपनी धारा को, दिशा को नहीं बदलेगा, वो एक ही दिशा में क्या करेगा, चलता रहेगा, उसको क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। तो जो समय के साथ अपने दिशा में परिवर्तन करता है जो धारा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। और जो दिशा को, समय के साथ दिशा का परिवर्तन नहीं करता है जो धारा, उसको क्या कहते हैं? डीसी। कोई दिक्कत नहीं ना? डायरेक्ट करंट हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। एसी का बोलो अल्टरनेटिंग करंट। तो आइए हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट, अल्टर, इसका डिफिनेशन वगैरह भी लिखा हुआ है भाई, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। देखिए डिफिनेशन वगैरह भी लाया मैं लिख करके, ये सब डिफिनेशन भी है, काम नहीं है, ठीक है? तो पहले उसको समझते हैं, उसके बाद डिफिनेशन बाद में, पहले समझने के बाद डिफिनेशन। और ये आपका है आपका डायरेक्ट करंट, डीसी दिष्ट धारा। दिष्ट धारा इसको डीसी बोलते हैं, इसको ठीक है, घर में लगता है वाला एसी नहीं समझना। सुनो क्या बोले हैं, अल्टरनेटिंग करंट इसकी जो धारा है वो क्या करती है, समय के साथ अपनी दिशा को बदलती रहती है, ठीक है? तो इसका एग्जांपल ये दे लेते हैं, ये टाइम है, ये क्या है? ईएमएफ जानते हैं ना क्या? ये जो ईएमएफ है इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? बताएगी, कल आई थी, बोलो ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ जोर से। ई नॉट साइन ओमेगा टी, कल हम लोग पढ़े इसको, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र नियतांक कोफिशिएंट, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर बोलेंगे इसको पीक वैल्यू, पीक मतलब अधिकतम मान या शिखर मान, अधिकतम मान या शिखर मान, ठीक है? सबसे बड़ा मान इसको पीक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? ओमेगा टी तो जनरेटर थीटा होता है, साइन फंक्शन होता है ना,
ये सब आगे पढ़ने को मिलेगा जो क्या है अभी अगला लेक्चर में, इसके बाद वाला लेक्चर में इसका पोस्टमार्टम बढ़िया से होगा और इसी को लेके आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। अभी तो सिर्फ एसी बीसी के बारे में समझ लेते हैं, इसका अंतर थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो भाई देखिए जीरो पे ये तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब तक का समझ लीजिए, अगर अगर ओमेगा टी का मान अगर जीरो है मतलब थीटा का मान अगर जीरो है तो यहाँ होगा जीरो होगा पूरा। अगर इसका मान थीटा का मान 90 है तो ई का ई नॉट होगा तो कहीं मैक्सिमम होगा, इस पर ही चलता है ये, इस पर किस पे साइन फंक्शन पे। बात समझे, ये क्या हो गया आपका एसी करंट, इसको बोलते हैं साइन फंक्शन। ये ग्राफ जो है एसी करंट जो है किस फंक्शन का मतलब किस फंक्शन का पालन करता है, किस फंक्शन पर चलता है, वर्क किस फंक्शन पर करता है, तो साइन फंक्शन वर्क करता है। आइए डीसी के लिए बताते हैं, ये टी है और ये ईएमएफ है। अब देखिए ये आपका इसका ग्राफ होगी क्या, सिर्फ प्लस है प्लस दिख रहा है क्या, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ प्लस यहाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं। पहला आइए दूसरा देखिए, एक और ईएमएफ और टी के बीच में ये देखिए यहाँ क्या है, सिर्फ माइनस है नीचे है। तो आइए और बताते हैं, ये क्या है सिर्फ प्लस है ऊपर है, अरे देखिए बढ़ रहा है और घट भी रहा था प्लस में ना है माइनस में आएगा। देखिए इसका मतलब, देखिए इसका मतलब समझिए, ये ऊपर गया तो आगे की ओर जा रहा है, नीचे घटा तो भी आगे की ओर है, ठीक है। अब जैसे इसके नीचे आएगा ना तो उसी तरह धारा इधर हो जाएगा, जैसे नीचे आएगा धारा इधर दो मत समझे, ये चीज है आगे आई। इसमें सिर्फ प्लस प्लस है, ये भी कौन सा धारा है डीसी क्या है डीसी। अच्छा ये देख लीजिए, ये क्या है सिर्फ माइनस है, ये भी क्या है डीसी टी। ये क्या है ए बी डी सी है, तो देख रहे हैं जीरो पड़ा रहा है लेकिन जीरो से नीचे डायरेक्ट करेगा, अपने दिशा को चेंज नहीं कर रहा, जैसे नीचे आ गया तो अपने दिशा को चेंज करेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आई जो फॉर्मूला ई बराबर जो हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी पिछला चैप्टर में, लेकिन ई क्या होता है ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है बैटरी, और बैटरी को डिनोट करेंगे किससे वी से, तो वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार I बराबर भी देखेंगे, I बराबर क्या I नॉट साइन ओमेगा, ये सब आप प्रूफ देंगे कल अगला चल में। आइए आज का क्लास जो देखना है देख लेते हैं, ए अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच क्या अंतर पूछेगा, दो नंबर में पांच नंबर में जैसे पूछेगा, पांच नंबर पूछेगा इसका फंक्शन और इसको फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दीजिएगा, ठीक है। पांच नंबर जो पूछेगा इसका फंक्शन जो कल पढ़ाया हुआ है वो पिक्चर बना करके, दोनों पिक्चर जो दो पिक्चर बना थे यहाँ यहाँ दोनों पिक्चर बना दीजिएगा। हाँ उस पिक्चर में हम क्या किए थे, मैग्नेट का कार्य लिखे थे, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, आर्मेचर आर्मेचर जो क्या करता है एक एक सिरा के क्या करता है एक लाइन के चारों अराउंड क्या करता है रोटेट करता है आर्मेचर जो होता है इसको, और रबर क्या करता है और स्प्लिट क्वाइल स्प्लिट रिंग क्या करता है, इसका क्या करना आप लोगों को लिखना है डिफिनेशन, इकट्ठा कैसे कार्य क्या है, ठीक है। और अल्टरनेटिव करंट का डिफिनेशन भी लिख दिए थे अंतिम में, डिफिनेशन भी था, ये सब जो है आप लोग लिख लीजिएगा, पांच मार्क्स में लिख के दिखा दीजिएगा, पांच मार्क्स से पूछेगा। चलिए एसी एसी चेंज डायरेक्शन व्हाइल मूविंग इन अ सर्किट, एसी क्या करता है प्रत्यावर्तक धारा क्या करता है जब ये बहता है किसमें परिपथ में सर्किट में, जब ये फ्लो करता है मूव करता है तब क्या होता है अपनी दिशा को बदलता है, आइए अपनी दिशा को नहीं बदलता है एक ही दिशा में चलता रहता है। आइए मैग्नीट्यूड ऑफ एसी चेंज विद टाइम, एसी अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या करता है समय के साथ उसका परिमाण बदलता है। एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण जो है समय के साथ बदलता है, लेकिन इसका समय के साथ क्या रहता है कॉन्स्टेंट नियत रहता है, नहीं बदलता है।
देखे इसमें देखे पीछे देखे ये सब जगह माइनस है माइनस है माइनस है। समय के साथ नहीं बदल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, इधर हो चाहे इधर हो एक ही दिशा में चल रहा है। लेकिन अगर इसी को हम अगर क्या कर दे ऐसे कर दे ना तो प्लस है मतलब इधर जा रहा है, माइनस है मतलब इधर जा रहा है, प्लस है मतलब इधर जा रहा है, माइनस है मतलब कभी इधर 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 लगातार करता रहेगा। तो ये एसी है, क्या है एसी है। चलिए आ गया, पावर फैक्टर ऑफ एसी लाइज बिटवीन 0 to 1 यानी कि एसी का जो ऊर्जा घटक है वो 0 से 1 के बीच होता है। किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच। 0 से 1 के बीच 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके 1 तो जाएगा, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 0 से 1 फिर 1 से 0 आएगा, लेकिन इसका तो हमेशा 1 ही होता है। इसका पावर फैक्टर डीसी का पावर फैक्टर कितना होता है? 1। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा कहीं एसी डीसी का पावर फैक्टर। उसके बाद है एसी इज मोर हार्मफुल, एसी जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है डीसी के तुलना में। डीसी भी खतरनाक कम होता है, जनरेटर वगैरह में करंट मार देता है झटका मारेगा, लेकिन एसी में अगर 11,000 लग गया तो चिपटा देगा, धुआं धुआं कर देगा एसी में, तो ज्यादा होगा। एक और चीज है एसी जो है और सस्ते में मिल जाता है, लिखे हुए कहीं और जो मैक्सिमम होता है 311। इसका एवरेज भी और मैक्सिमम भी दोनों 220 होता है। डायरेक्ट करंट है, जितना देगा उतना लगा। देखिए इन्वर्टर लगा हुआ है, ये अगर 220 वोल्ट दे रहा तो लगातार 220 वोल्ट ही देगा, ना 219 ना 200, इसको फिक्स किया गया हुआ है। इसमें जो बिजली जो पंखा जो चल रहा है वोल्टेज बढ़ेगा तो पंखा बेसी होगा, वहां से ठंडा के समय वोल्टेज ज्यादा रहता है, गर्मी के समय बहुत कम, बहुत ज्यादा गर्मी तो बहुत कम, बात समझे? तो गर्मी में बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, एसी फ्रीज जनरेटर बड़े बड़े चलता है पंखा में, इसलिए ठंडा में जो गर्मी वोल्टेज कम रहता है, और ठंडा में तो हीटर हीटर सबके पास नहीं होता है, हीटर जिसके पास होगा वही ना चलाएगा। इसीलिए गर्मी में मतलब जो खेत में पानी नहीं पटाना है तो मोटर भी बहुत ज्यादा चलता है, इसीलिए गर्मी वोल्टेज कम रहता है। तो एसी का वोल्टेज अप डाउन डाउन होता ही रहता है, यानी 220 से लेकर 300 और इसका 220 फिक्स रहता है। किसका? डीसी का, इसे वो फिक्स किया था। इट्स प्रोडक्शन इज चीप, इसका जो प्रोडक्शन है इसका जो खर्च है वो सस्ता आता है। एसी जो है वो इसका प्रोडक्शन सस्ता है, लेकिन इसका क्या है? कॉस्टली। डीसी का महंगा आता है। अब एसी का सस्ता हो गया है, पहले जिस समय बिजली नहीं थी घर घर में उस समय एसी ही महंगा था, डीसी सस्ता था। डीसी तो और महंगा था, डीसी तो अब था ही नहीं, पहले डीसी बैटरिया वाला था ये चीज था। तो अब तो एसी सब जगह पहुंच गया था, एसी चीप हो गया, सस्ता हो गया, दूर पे 3 रुपए यूनिट जो है मतलब बिजली बिल उठता है ना। अब आ गया इट्स ए ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इजी, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो गया क्योंकि सब घर घर पहुंच गया तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है? नॉट इजी, तो इसको कहीं से लाना पड़ता है। अगर छोटा बैटरा मोटरसाइकिल पर ले आए, बड़ा बड़ा बैटरा जनरेटर जहाँ 25 को 50 को 100, जहाँ बड़ा बड़ा प्लांट होता है, टावर का प्लांट हुआ या बड़े बड़े कोई चीज का जो नर्सरी वर्सरी होता है, तो वहाँ बिजली थोड़ी रहता है, वहाँ एसी रहता है कि डीसी? डीसी। जहाँ बड़े बड़े नर्सरी बड़े बड़े पार्क होते हैं, बड़े बड़े होटल बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहां पर एसी करंट नहीं होता, होता है एसी करंट नहीं, डीसी होता है। वहां पर बैटरी काम करता है, बैटरा जनरेटर काम करता है बड़ा बड़ा, ठीक है? तो वहां पर डीसी करंट होता है। छोटा मोटा घर में जो मोटर यूज करते हैं या छोटा मोटा जो जैसे टीवी वगैरह पंखा वंखा जो यूज करते हैं, इसमें एसी, इसमें भी डीसी यूज कर सकते हैं, और एसी में ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन डीसी में ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते हैं, उसे बात की बात है। पहले इतना ही लिख दीजिएगा, बहुत हो गया। यूज इन स्मॉल मोटर्स एंड होम अप्लायंस, मतलब छोटे छोटे मोटर में और घरों के पंखा वंखा में सब यूज करते हैं। इसको जो है क्या कहते हैं? पावर, लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए, लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर। अरे प्रहलाद कुमार कहा आता है क्लास के अंदर, नींद आता है तू? उसके बाद अगर चाहे इसको लिखना तो इसको भी लिख सकते हैं कि एसी करंट चेंज इस डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लो वायर, मतलब जबकि द डीसी करंट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लो एंड रिमेन कॉन्स्टेंट। प्रत्यावर्ती धारा जो है बहते मतलब क्या करते हुए मूव करते हुए अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, किंतु या जबकि
जो दिस धारा होती है वो बहते हुए बहने के दौरान जो है ना मूव करने के दौरान गति करने के दौरान अपनी धारा को अपनी दिशा को चेंज नहीं करती है, नहीं बदलती है, वही बात लिख दी है। ठीक है, इसमें धन्यवाद तो नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं, इतना ही पर छोड़ देते हैं। आप हो गया तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा, आज पहला लेक्चर था इसलिए मतलब कम ही चला है। कल जो हम लोग क्या करेंगे पता है, ये E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, और इसी के बारे में पढ़ेंगे, समझे? तो मेन कल ही स्टार्ट होगा चैप्टर, आज तो ये बेसिक ही था एसी डीसी के बारे में, ठीक है। हाँ, तो कल इसके बारे में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चैप्टर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 7 देखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।